सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और कार मैकेनिक सिमुलेटर 2021 के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है गाइस। और ये गेम मैं बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ, ऑलमोस्ट गाइस मुझे एक साल हो गया इस गेम का वीडियो बनाए हुए। और भाई मुझे ये गेम बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है गाइस, और लिटरली मुझे इस गेम की याद आ रही थी गाइस। आज हम वापस से इसको खेलने जा रहे हैं, और अब गाइस मैं भूल भी गया हूँ वैसे तो इस गेम को गाइज। पहले पहले मैं इतना मुश्किल से भाई सीखा था इसको, अब साला मैं भूल भी गया हूँ। और गाइज इस गेम में अपन अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं, गाड़ियाँ वगैरह बनाएंगे, पे लेंगे दुनिया भर को। तो गाइज बिना किसी नाटक के ऐसा करते हैं, पहले गेम चालू करते हैं। और गाइज पिछले गेम प्ले में अपन ने आई थिंक दो मैंने इसके दो एपिसोड बनाए, और ऐसे कुछ दो एपिसोड बनाए शायद, एक तो ट्यूटोरियल था नॉर्मल, और एक गाड़ी मैंने सही करी थी गाइज। और भाई मज़ा आया था उस गाड़ी को सही करने में, तो गाइज इसलिए मैं इस गेम का फैन हो गया हूँ। एक एक गाड़ी, एक सेकंड, तो मेरे पे गाड़ी और आ चुकी है, एस्टन मार्टिन। भाई कसम गाइस, एक ऑर्डर और आया हिनाता मून का, और पहले एस्टन मार्टिन को उठाएंगे भाई हम। पहले अपन एस्टन मार्टिन का ऑर्डर लेते हैं गाइस, तो और देखते हैं एस्टन मार्टिन लगती कैसी है, और इसमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें करना क्या है भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। माँ कसम गाइस, क्या लग रही है भाई, क्या लग रही है यार, मेरी जैने मैन गाइस। एस्टन मार्टिन है भाई ये, एस्टन मार्टिन है, मजा आ गया क्या? ठीक है गाइस, एस्टन मार्टिन को डालते हैं अंदर। और हाँ गाइस, मुझे को पता लगा है इस गेम में आप गाड़ी को धो भी सकते हो, पता है, अपनी अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, और अपना गैराज फी में पूरा का पूरा सुधार सकता हूँ गाइस। ये यहाँ पे जो है गैराज एक्सपेंशन का एक वो है, इस पे जाके मैं सारे टूल्स वगैरह जो भी हैं इनकी स्पीड वगैरह को मेंटेन कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, मतलब मैं इनको बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि मैं एंटर दबाए रखूँगा तो इसकी जो है स्किल बढ़ जाएगी, जैसे कि सेल्विजिंग। एक सेकंड, मुझे ना ऐड सेकंड लिफ्ट ऐड नहीं करनी मुझे गाइस, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, उसके बाद गाड़ी से ही करते हैं। ओके, एक्सपेंड बैक एंड ऑफ योर गैराज अलाउ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ योर वर्क, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। और ये क्या है, बिल्ड पेंट शॉप नहीं चाहिए मेरे को, और बिल्ड डायनो ये भी नहीं चाहिए। और ये क्या है, ऐड कंटेनर इक्विप ये भी नहीं चाहिए। हाँ कार वॉश चाहिए मेरे को, जो कि कार वॉश वगैरह देखते हैं गाइस। 10,000 रुपये के हो, मेरे पैसे ज़्यादा नहीं है गाइस, मेरे मात्र 10,928 रुपये सारे खर्च हो जाएंगे। ऐसा करते हैं थोड़ा पैसे पैसे छापते हैं, पहले थोड़ा पैसा छापते हैं उसके बाद पैसा पे लेंगे। ओके तो गाइस अपने पास आ चुकी है एस्टन मार्टिन, मुझे बिलीव नहीं हो रहा गाइस। इसमें करना क्या है, पहले तो काम देखते हैं। ओह माय गॉड, कार वर्दन स्टैंडर्ड है, माइलेज 16,000 किलोमीटर चली गई। वेट इसका भाई, इसका 2200 किलोमीटर है भाई, फैक्ट्री साइज है गाइस, सारी डिटेल्स हैं गाड़ी की। और बॉडी 80% है, पार्ट 80% है, फ्रेम भी ठीक है, इंटीरियर भाई पूरी तो गाड़ी सही है। हुआ क्या है इसमें ब्रो? अच्छा, इसका ABS मॉड्यूल चेंज करना है, इसे सही करना है, ABS पंप, ब्रेक कैलिपर, ब्रेक डिस्क, वेंटिलेटेड ब्रेक। ओके गाइस, इसमें चार इशूज़ हैं, अपन चारों के चारों इशू पेल देंगे, और इस वीडियो में फिलहाल गाइस इतना ही करेंगे। तो ओके, क्योंकि मेरे पे टेम नहीं है फिलहाल, इसे निकलते हैं फिलहाल इस गड्डी को। ओके तो अपना गाइस रूल क्या है, पहले गाड़ी का, गाड़ी पहले उठानी है, जूम उठाने में जो मज़ा है ना गाइस वो कहीं नहीं है। ओके गाड़ी पहले उठानी है, और ज़्यादा उठानी है, ताकि मैं पहले इसका मुझे ऑयल ड्रेन करना है, जो कि रूल है क्या, मैं इसका ऑयल ड्रेन करूँ क्या या नहीं करूँ? नहीं, मुझे इसका ऑयल ड्रेन नहीं करना, क्योंकि ऑयल ड्रेन करने के लिए ना किसी ने बोला नहीं। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, ऑयल ड्रेन करने के लिए नहीं बोला गाइस इसने, तो मैं ऑयल ड्रेन क्यों करूँ? ठीक है, तो ऐसा करते हैं अपन जस्ट वही काम करेंगे जितना बोला गया है। ओके तो पहले मैं चारों को ना मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि भाई और गाइस इस गेम में ना एक इशू है बहुत गंदा, अगर आपने वो मिस कर दिया, अगर आप ये सीखने के लिए देख रहे हैं ना वीडियो, तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। इशू क्या है, अगर आप कोई भी चीज़ खोल रहे हो और आपको वही चीज़ चेंज करनी है, वो तो खैर आपको पता चल जाएगा ऐसे क्लिक करते ही, सारा जो भी स्काई ब्लू हो रहा है वो आपको रिप्लेस करना है या बदलना है या जो भी है सही करना है उसको। लेकिन आपको एक्स दबा के अपनी इन्वेंट्री में, अपनी जो है शॉपिंग लिस्ट में डालना ही डालना है, नहीं तो आपका पूरा गेम ख़राब हो जाएगा गाइस। मेरे संग एक बार ऐसा हो चुका था, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है तो अभी चलते हैं और अपनी गड्डी सीख करते हैं। ठीक है तो इस वाले में ओके, इस वाले में ब्रेक वाला इशू है। ठीक है तो फटाक से भाई इसको टायर देख रहे हो, क्या सेक्सी टायर है भाई इसका, मतलब एकदम खतरनाक स्टेपनी है। स्टेपनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अलॉय अलॉय अलाउ बोलते हैं इसको। ओके तो गाइस मैंने टायर निकाल दिया, इसमें पता है ब्रेक डिस्क वेंटिलेटेड का इशू है। ओके तो गाइस इसमें डिस्क वेंटिलेटेड, हाँ ब्रेक डिस्क वेंटिलेटेड का इशू, और जैसा कि मैंने बताया था, एक सेकंड इसका, एक सेकंड ब्रेक डिस्क, ब्रेक कैलीपर, ओके ब्रेक कैलीपर, एक जगह का ब्रेक कैलीपर भी उड़ा हुआ है, तो नहीं मुझे ना गाइस ये देखना है, मुझे ये देखना है यार, बड़ी सावधानी से काम करना होता है। ब्रेक कैलीपर आई थिंक इसी का है, मुझे लग रहा है आई थिंक इसी का है ब्रेक कैलीपर। ओके गाइस इसका ब्रेक कैलीपर है,
तो अपन ऐसा करते हैं, ब्रेक कैलिपर को फटाक से एक्स दबा के पहले तो अपनी लिस्ट में डाल लेते हैं, ओके, ताकि इशू क्रिएट ना हो बाद में। भाई बहुत इशू होता है, मैं सच बता रहा हूँ, आपका पूरा मेहनत की ऐसी तैसी हो जाएगी। ओके गाइस, ब्रेक पैड की जरूरत है नहीं है, ब्रेक कैलिपर था जो कि अपन ने निकाल दिया है, और चलो ब्रेक कैलिपर निकाल दिया मैंने, अभी अपन दूसरे किसी ब्रेक हो गया, अभी ब्रेक कैलिपर हटा दो अगर निकाल दिया तो। भाई ये मार्क करना बहुत जरूरी है। ओके अभी ब्रेक डिस्क उसमें भी है, अच्छा ब्रेक डिस्क भी है इसमें, ओके इसमें ब्रेक डिस्क भी है गाइस, तो अपन ऐसा करते हैं, हाँ ब्रेक डिस्क भी है, ब्रेक डिस्क को भी मैंने डाल लिया है, ब्रेक डिस्क को भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, और जी जब तक रिमूव नहीं होगी जब तक मैं ब्रेक पैड नहीं निकालूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो डिस्क निकाल के अपन डाल लिया है मैंने, ओके मैंने उसमें डाल भी लिया ये, जो कि अच्छी बात है। और गाइज इसमें भी एक डिस्क है, बेटा निकल जाओ जल्दी से तुम, सॉलो बता रहा हूँ मैं भाई, एक सेकंड बोल्ट खोल ले दो पहले गाइज, बोल्टों गाड़ी के ना रिम पे भी लिखा हुआ है एस्टन मार्टिन, भाई खतरनाक सीन है। ओके गाइज पहले कैलिपर निकालना होगा अपने को, एक कैलिपर नहीं डालना मेरे को शॉपिंग लिस्ट में, क्योंकि ये नहीं खरीदना यहाँ, इसमें केवल डिस्क ब्रेक है। ओके तो मैं पहले डिस्क को डाल देता हूँ, और इसको डिस्क को निकाल लेता हूँ पहले, ताकि मुझे डायरेक्ट इसको रिप्लेस ही करके लाना है। ओके तो गाइज ये अपन ने यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी कर दिया, अभी अपन को एबीएस पंप और एबीएस मॉड्यूल इन दोनों का काम करना है, तो चलते हैं, अच्छा इधर ही है ये, ठीक है तो एबीएस मॉड्यूल को डालते हैं फटाक से, और एबीएस पंप को भी डालते हैं, ठीक है चलो आ जाओ अजरे आ जाओ। ओके गाइस फाइनली फाइनली, अच्छा इसको मेरे को इंजन बे से देखना पड़ेगा, गाड़ी को नीचे करते हैं गाइस पहले फटाक से, और मैंने सारे के सारे पार्ट जो भी गाइस रिक्वायर थे मैंने सारे मतलब निकाल लिए हैं, इसका इंजन देखते हैं कैसा है। बाप रे क्या सेक्सी इंजन है भाई, सच में भाई सच में। ओके मेरे को गाइस आई थिंक नहीं, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है कुछ भी, यहाँ से अपने आप ये निकल जाएंगी दोनों चीज़ें, मुझे उसके बाद बोल्ट खोलने पड़ेंगे। सारी इतनी रोशनी को आ रही है, इतनी रोशनी क्यों आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस ये हो गया, और मुझे एबीएस पंप भी निकालना है, ठीक है तो ये दोनों आइटम भी निकाल लिए मैंने। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है इसमें प्रोडक्ट, इसमें जो इशू थे कितने थे, 1 2 3 4 थे ना, 1 2 3 5 थे, ठीक है, और मेरे पे प्रोडक्ट कितने हैं अभी देखो गाइस, अभी देखना तुम शॉपिंग लिस्ट मेरे पे है, मेरे पे है 5, एक ये रिम रिम हटाओ यहाँ से, रिम हटाओ यहाँ से, 1 2 3 4 5, ओके गाइस 5 प्रोडक्ट है मेरे पे, ये 5 प्रोडक्ट की जल्दी से अपन खरीदारी करके लाते हैं फटाक से, और खरीदारी करेंगे, और गाइस सारे के सारे प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मेरे को लगाने हैं ओपन शॉपिंग लिस्ट। फ्यूल पम्प खरीदना है मेरे को, एक नॉर्मल फ्यूल पम्प होगा आई थिंक ये, तो इसमें डल जाएगा, नहीं डलेगा पहले साले इसको काटो, अब डालेगा इसमें FUEL PUMP PUMP। ओके गाइस फ्यूल पंप जो आ गया, फ्यूल पंप यहाँ पे ओके यही वाला होगा ऑब्वियस सी बात है। नहीं, एक सेकंड, फ्यूल पंप तो था ही नहीं, फ्यूल पंप तो था ही नहीं साला, मैं अभी फ्यूल पंप खरीद ही लेता गाइस। दो ये थे, ये फ्यूल पंप आई थिंक पुराने पुरानी वीडियो में से किसी पार्ट रहेगा वो किसी गाड़ी का, ठीक है तो अपन को ब्रेक कैलीपर लेना है, साला मैं बच गया गाइस, अभी नुकसान हो जाता, अभी नुकसान हो ही जाता। ओके ब्रेक कैलीपर लेते हैं फटाक से, ओके ब्रेक कैलिपर कितने लेने हैं गाइस, ब्रेक कैलिपर लेने हैं मुझको एक ही लेना है, नहीं ये और ये क्या है ब्रेक, अच्छा ये डिस्क है, ओके ब्रेक कैलिपर ले लिया तुम्हारे भाई ने एक, और अपने को लेना है डिस्क, ब्रेक डिस्क था ना वो, एक सेकंड ब्रेक डालूंगा तो क्या आएगा, ओके हाँ ब्रेक डिस्क वेंटिलेटेड लेना था मेरे को, ये दो लेने हैं गाइस जहाँ तक मेरे को याद है, ब्रेक डिस्क वेंटिलेटेड ये दो लेने हैं, ओके एक तो दो क्वांटिटी करो फटाक से, और दो ये खरीद लिए, और अभी ठीक है ब्रेक कैलिपर ले लिया, ब्रेक डिस्क ले लिया, अभी एबीएस मॉड्यूल लेना है गाइस, कैलिपर हटा दो वेंटिलेटर हटा दो, एबीएस मॉड्यूल और एबीएस पंप लेना है, एबीएस मॉड्यूल और एबीएस पंप, एबीएस मॉड्यूल, वेयर इज एबीएस मॉड्यूल, ओके आई थिंक वो इधर नहीं होगा, वो होगा तुम्हारा बॉडी वर्क स्टेशन में भी नहीं होगा, वो कहाँ पे रहता है यार एबीएस, वो आई थिंक इसमें होगा, नहीं इसमें भी नहीं होगा, इसमें तो सीट्स वगैरह हैं, बॉडी ट्यूनिंग इसमें होगा क्या, हाँ इसमें हो सकता है, इसमें तो फिल्टर्स वगैरह हैं सारे, एक बार इसमें ट्राई कर लेते हैं, मुझे लग रहा है इसमें हो सकता है, ओके इसमें नहीं है, मेरा मेरा अंदाजा था गलत एकदम, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा वो 100%, एबीएस मॉड्यूल, ओके गाइस एबीएस मॉड्यूल और एडी एबीएस पंप, भाई एक 700 रुपये का है और एक 900 रुपये का है गाइस, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तुम्हारे भाई ने, मुझे ये देखना है मुझे पैसा मिलता कितना है, ठीक है ना, तब आएगा मज्जा। ओके तो गाइस गड्डी पे चलते हैं, एक सेकंड जो चीज ऊपर से लग सकती है उसको ऊपर से लगाते हैं फटाक से, जैसे कि ये दोनों जो थे ना वो ऊपर से ही लग जाएंगे। ओके अपने को गाइस चलना है पार्ट माउंट पे, और फटाक से पहले ये वाला पार्ट लगाना है, नया वाला लगाएंगे, ओके ग्रेट 100%, ओके उसके बाद अपन लगाएंगे एबीएस मॉड्यूल, और इसके बोल्ट कसने होंगे ऑब्वियस सी बात है, ठीक है इसके बोल्ट कसने हैं 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ओके गाइस एक एक चीज दिखाऊं, देखो एक चीज दिखाऊं, डन एबीएस मॉड्यूल और पंप तुम्हारे भाई ने कर दी है,
चेक। ओके गाइस अभी चलते हैं, अभी अपन गड्डी को ऊपर उठाते हैं, तान दो गड्डी को बेटा, गड्डी को तान दो जाने मन। ओके गाइस तुम्हारे भाई ने गड्डी तान दी है, अब मेरे को हाँ। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा ध्यान से गेम खेलना पड़ता है बस, और कोई सीन नहीं है, थोड़ा ध्यान से। अभी कैलीपर वाला सीन है, तो कैलीपर पता है इस वाले टायर में नहीं है, कैलीपर है तुम्हारा इस वाले टायर में मेरे हिसाब से। हाँ गाइस इसी में है कैलीपर, तो फटाक से पार्ट पार्ट माउंट करते हैं। और इसमें अच्छा इसमें वेंटिलेटेड डिस्क भी था, ठीक है। और हाँ कैली ब्रेक पैड, अच्छा ये वही वाला है जो कि नहीं यार ये वाला नहीं लगाना था मुझे। एक सेकंड गाइस, मैंने दोनों चीजें इसमें लगा दी हैं क्या? मुझे ये देखना है, एक सेकंड मैं बोल्ट टाइट कर कस के मुझे ये देखना है क्या मैंने ब्रेक इसी में लगाना था उसमें लगाना था। ओके गाइस ब्रेक सब कुछ इसी में लगाना था। बात यहाँ पे हो गई है 35, बात यहाँ पे हो गई है 35, ठीक है। इस गड्डी का टायर लगा देते हैं फटाक से। ओ गाइस देख रहे हो एस्टन मार्टिन भाई टायर पे क्या सेक्सी लगता है लिखा हुआ, मां कसम। ओके गाइस दो तीन इसकी आवाज है ना, ठीक है गाइस। अभी क्या रह गया है, इस तरफ एक डिस्क लगानी है और काम हो जाएगा 35। ओके अभी क्या करते हैं, पहले इस पे से अब हटाओ और अभी इसी पे छोड़ दो गाइस, ठीक है। और ये यही वाला है जैसा कि मैंने बोला था। ओके फटाक से गाइस इसको लगाओ, और यहाँ पे लगा दिया तुम्हारे भाई ने 100% वाला जो कि नया खरीदा है। ओके गाइस लो टारगेट आवाज आ गई, दैट मीन काम हो गया 35। अबे चलना लगना टायर को नहीं लग रहा गाइस, टायर को नहीं लग रहा, अच्छा ब्रेक पैड नहीं लगाया था मैंने। ओके गाइस ब्रेक पैड भी लगा दिया जो कि अच्छा, इसके ब्रेक पैड पहले से ही 100% के थे मेरे पास, जस्ट छोटे से काम के लिए आई थी गाड़ी, ऑलमोस्ट सही थी ये पूरी, 80% के ऊपर ही थी पूरी गाड़ी, बॉडी फ्रेम व्रेम सब कुछ, बस मेरे पास कुछ डिस्क वगैरह लगवाने आई थी जो कि मैंने कर दिए हैं सेट। ओके तो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने ये गड्डी कर दी है सेक्सी, इस गड्डी को उतारते हैं और मुझे देखना है इसका हिसाब किताब क्या है। भाई इसका डिग्गी करो बंद, हुड बंद। ओ भाई क्या सेक्सी लग रही है गाइस, मां कसम देखने में मजा। ओके गाइस सारी चीजें तुम्हारे भाई ने ओके कर दी हैं और मुझे ये जॉब फिनिश कर सकता हूं अब मैं। ओके तो मैंने टोटल पे आउट हुआ है 2666 रुपए का, मैं रुपए ही बोलूंगा इसको। पुअर ब्रेक परफॉर्मेंस 1925 लगे थे मेरे और मैंने बहुत जल्दी कर दिए गाइस, फटाक से इस गाड़ी को निकालते हैं, ठीक है। ये काम अपना कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा भाई मैकेनिक है भाई, तुम्हारा भाई एक प्रॉपर मैकेनिक बन चुका है। और मैं अभी ये देखता हूं कोई छोटा मोटा ऑर्डर होगा ना मैं कर दूंगा, लेकिन बड़ा ऑर्डर नहीं करूंगा गाइस, बड़े ऑर्डर में मुझे टाइम लगेगा। ब्रेक प्रॉब्लम है इस गाड़ी में देख लेते हैं, BMW को कीजिए नहीं, हाँ BMW M1 पावर है गाइस, प्रोस्कर है पता नहीं क्या नाम है प्रोकर, अगर इसका छोटा मोटा काम होगा इसको लपेट देंगे। आने दो गद्दी। ओ भाई गाइस क्या गाड़ी लग रही है यार भाई, सेक्सी। एक सेकंड मुझे ये देखना है इसमें काम कितना है, अगर इसमें ज्यादा काम होगा यार लाओ अंदर आ जाओ, अंदर डालो इसे। उसके बाद ना मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा गैराज अपना गैराज वगैरह थोड़ा सा वो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि बिना गैराज मॉडिफाई करे ना मन ने मज्जा कम आ रहा है थोड़ा। ओके ब्रेक कैलिपर, डिस्क ब्रेक, ब्रेक डिस्क, ब्रेक पैड। ओके दो ब्रेक पैड हैं, तो पहले ऐसा करते हैं इसका ना पूरा टायरों का काम है, तो गाड़ी को पहले उठा लेते हैं। भाई क्या लग रही है लेकिन यार, जो मतलब पेंट कराने वाले बंदे ने मतलब क्या मॉडिफाई कराया, मतलब खतरनाक लोग यार, मतलब क्या बोलते हैं उसको भाई, लोगों के शौक है भाई अपने अपने खतर। देख रहे हो क्या स्पोर्ट्स कार है एकदम, इसके व्हील देख रहे हो, माय गॉड क्या व्हील है यार, मेरे को तो व्हील से ही प्यार हो गया भाई, सच बता रहा हूँ भाई। पता नहीं कौन सा साला कैसा टायर लगाया, ये टायर ही इतना महंगा होगा। इसका रिम देख रहे हो, पूछो मत भाई पूछो मत, जवाब नहीं है कोई। ओके गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, एक सेकंड मुझे ये देखना है, एक उधर है एक इधर है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं है ना, ठीक है। मैं देखो भाई इससे ना पता लग जाता है, तुम थोड़े स्मार्ट बनोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को मैकेनिक सीखना बनना है तो मेरे पास एक बार आए। और WT40 मैंने डाल दिया इसपे, इसमें जंग लगी हुई थी। ओके भाई इसका टायर, अरे यार इसका टायर निकाल जल्दी से, बोलो इतनी गुस्सा होती है ना, इसका टायर निकाल भाई। ओके चला WT40 डालो इस पर भी फटाक से, इसका भी टायर भाई ये बोल्ट, ठीक है गाइस का इसका रिम कितना प्यारा। ओके गाइस इसमें आई थिंक मुझे एक ब्रेक कैलीपर की जरूरत है, किसकी जरूरत है। ओके पहले मुझे ना इसमें यार क्या है ये। ओके गाइस इसमें ना एक ब्रेक कैलीपर लगेगा, जहां तक है ब्रेक कैलीपर है ना अपने पे, हाँ तो यही वाला है वो, तो इसको फटाक से अपन पहले लिस्ट में डाल लेते हैं और इसको निकालो यहाँ से, ठीक है। ये निकाल दिया अपने कैलीपर, और पैड वगैरह निकालने की जरूरत है नहीं गाइस, और इसमें एक ही चीज है ना बस, हाँ एक ही चीज है, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले टायर पे, और अगले टायर में इसमें का इशू है, इसमें भी वही सेम इशू का, साले बोल्ट अंदर है इसके भाई, इसके बोल्ट भी नहीं दिख रहे थे मुझे बाहर की तरफ। भाई क्या रिम है गाड़ी का भाई, माँ का समझे रिम ही रिम होगा कम से कम 5000 रुपये का। ओके
जे इसके इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है क्या गाइज? इसमें नहीं है कुछ भी इशू, इशू डायरेक्ट इसमें यार, वहां से तो दिख रहा था मुझे इशू इसमें अभी एकदम से। देख इसका, इसके बोल्ट ही नहीं दिखते भाई। ओके गाइज, इसमें पहले मुझे इसका ना एक कैलीपर निकालना पड़ेगा, और आई थिंक इसके ना इसके रिम के, रिम में इशू है, वही क्या कहते हैं वेंटिलेटेड डिस्क में इशू है। इसमें एक सेकंड, पहले मुझे पहले ब्रेक निकालो एक बार। ओके गाइस, ब्रेक पैड में भी इशू था क्या? हाँ ब्रेक पैड में भी इशू था। एक सेकंड, ब्रेक डिस्क पे है तो मेरे को पहले ब्रेक पैड लगाने दो, और उसमें भी इशू था क्योंकि हाँ वो 28% घिस चुका है, तो ऑब्वियसली बात है ब्रेक पैड में इशू है। अपन ऐसा करते हैं ब्रेक पैड को फटाक से डालते हैं, और हाँ इसका ना गाइस डिस्क में भी इशू है, तो अपन एक डिस्क को भी ब्रेक डिस्क है ना, उसमें ब्रेक डिस्क है, ठीक है ब्रेक डिस्क को भी डाल लेता हूँ मैं। और ये सारी चीजें निकाल के पहले फेंको एक तरफ, नहीं लगाना नहीं है मेरी चैन में, लगाना नहीं है पहले निकालना है अपने को। ओके ये निकाल लिया और ये भी निकाल लिया मैंने, ठीक है अभी इसमें काम खत्म हो गया है। तो मुझे ये देखना है, एक सेकंड ब्रेक पैड हटाऊंगा। ब्रेक पैड मैंने कितने निकाले हैं? अरे यार मैंने आइटम डिलीट क्यों मार दिए, मैं पागल हूँ क्या? मुझे लेकिन याद है, ठीक है एक मुझे याद है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक कैलीपर है एक तो, ओके गाइस एक ब्रेक कैलीपर था, इसको बाय कर लेते हैं, और एक ब्रेक डिस्क है, जो कि मुझे याद है, इसको बाय कर लेते हैं। और दो पैड थे, दो ब्रेक पैड हैं, सीधी सी बात है, दो ब्रेक पैड, ये रहे दो ब्रेक पैड, इसको दो ले लेते हैं, ठीक है दोनों बाय कर लिए। अभी गाइस यही चीज़ें थी इसमें जहाँ तक मेरे को याद है, साला मैंने लेकिन गलती कर दी, मैंने आइटम हटा दिए थे, ठीक है कोई नहीं। ओके तो अपन ऐसा करते हैं, पहले अपन ब्रेक पैड लगा रखा है मैंने, ठीक है तो ये कौन सा ब्रेक पैड है? यही वाला है, इसको जल्दी से लगा देते हैं फटाक से। आ जाओ बेटा मुझे देखना, हाँ ये लगा दिया गाइस, इसको जल्दी से अपन इसको जल्दी से पूरा खत्म करते हैं, लाओ ग्रेट। ओके गाइस ये काम हो गया 35, इसमें एक सेकंड अगर मैं इसमें से ये हटा दूं और सब पे अगर ये लगा दूं। ओके गाइस ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड रह गया एक एक जगह पे, ब्रेक डिस्क इसमें तो लगानी नहीं है ना, ठीक है इस वाले को माउंट कर देते हैं फटाक से। इसका टायर देख के ना मुझे टायर से प्यार हो गया, ऐसे बता रहा हूँ। ओके गाइस एक कंप्लीट, दो चीज कंप्लीट हो गई है बस, अभी दो चीज रह गई है, एक ब्रेक पैड लगाना है जो कि मेरे को कहाँ लगाना है चेक करते हैं। इसे हटाओ पहले और इसे छोड़ो, ठीक है अभी कहाँ लगाना है? उधर लगाना है, बहुत इजी गेम है बच्चे, थोड़ा ना दिमाग वाला सीन है इसका और कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग वाला सीन है, बाकी तो काम 35 है। ओके ब्रेक डिस्क है ये, ले भाई यहाँ लगा दी मैंने ब्रेक डिस्क, गाइस नई की नई, ब्रेक पैड भी लगा दिया इसी में, क्योंकि अच्छा अच्छी बात ये है ना, ये अपने आप ले लेता है, ये अपने आप ले लेता है इसको। अगर सपोज मैंने ब्रेक पैड कहीं और से निकाला है और लगाना उधर ही है, तो ये जो ना उधर वाला ब्रेक पैड इस वाली जगह पे नहीं लगवाएगा, ऐसा सीन है पता है गाइस, मतलब अच्छी बात है, गलत सामान अपने आप नहीं लगाता है ये गेम। ओके मुझे देखना है, अभी मेरे पे एक आइटम रह गया होगा ब्रेक पैड, या फिर मैंने लगा दी, आई थिंक मैंने लगा दी गाइस सारी चीज़ें, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसमें, ओके गाइस फाइनली इस पैसे हटा दो, मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं भाई, कसम गाइस तुम्हारे भाई ने एक BMW है ना, हाँ एस्टन मार्टिन तो पहले थी, ये BMW है। ओ हो भाई क्या लग रही है गाइस, क्या लग रही है लिटरली भाई, इसका एक थंबनेल लेंगे गाइस ऐसे करके सेक्सी सा, ठीक है। तो गाइस फाइनली अपन ने ये भी मारती है, ये भी गाड़ी बना दी है पूरी, इसका भी अपन ओके तो गाइस इसका भी अपन फटाक से ऑर्डर फिनिश करते हैं। इसका नाम है BMW M1 Pro Car 1979 की, ठीक है गाइस ऑर्डर फिनिश मारते हैं। और कार इज इनकम्प्लीट, देयर रिम वन प्रो कार एंड मिसिंग फ्रॉम कार, क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो नहीं निकाला कुछ गाइस, कुछ मिसिंग बता रहे हैं यार, ये क्या मिसिंग है भाई, क्या मिसिंग है बाबू? गाइस ये बोल रहे हैं कार इज देयर इज अ रिम M1 प्रो कार मिसिंग फ्रॉम कार, सालो मैंने कौन सी कार मिसिंग, अच्छा मैंने साला इधर टायर ही नहीं लगाया, सॉरी माय बैड, हाँ क्योंकि गाइस मैंने जो अननेसेसरी निकाल दिया था इसके लिए जो बोल रहे हैं सॉरी सर, मेरे को आपकी रिम थोड़ी ज़्यादा प्यारी आ गई, प्यारी लग गई थी, इसके लिए मैंने सोचा चुरा कर रख लूँ, लेकिन आपने मेरे को पकड़ लिया, सॉरी फॉर दिस। ठीक है गाइस फटाक से इसका ऑर्डर अब हो जाएगी इसका ऑर्डर गाइस, क्लोज मारते हैं यहाँ से गाइस, थंबनेल नहीं होना चाहिए, ऐसा करते हैं फटाक से अब ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, ठीक है लाओ अब ऑर्डर हो जाइए क्लोज भाई, बता रहा हूँ घुस भर दूंगा। ओके गाइस फाइनली अब मेरे पे कितने रुपये हो गए यार, मेरे पे $11,734 ही हैं, मैंने यार दो गाड़ियाँ सही कर दी हाँ मैंने, ठीक है गाइस अभी फिलहाल के लिए अभी देखते हैं अपने पे नया ऑर्डर कौन कौन से आए हैं। एक मेरे पे आया है ब्रीफिन टायरों का, जो कि भाई मेरे को तो स्विफ्ट जैसी लग रही है। एक है माजदा का जो कि स्लूपी कार स्टेयरिंग है इसका, और इसका क्या है
ओ भाई इसमें बहुत सारे इश्यूज लगने गाइस मेरे को। ऐसा करते हैं गाइस, फिलहाल के लिए तो ये दो गाड़ी मैंने सही करी है, आज इतना ही छोड़ते हैं इस गेम प्ले में, अगले गेम प्ले में देखते हैं। और गाइस अगर आपको मेरे गैस स्टेशन का टूर चाहिए तो आप ले लेना, पिछले वीडियो में है, वीडियो नंबर 1 में, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले डाली थी। तो इस फिलहाल के लिए आज इस एपिसोड को इधर ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हारा भाई एक स्विफ्ट और मारुति सुजुकी स्विफ्ट को सही करेगा। और फिलहाल के लिए इस गेम प्ले में इतना ही गाइस, तब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तब तक के लिए बाय बाय।